नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार अपने YouTube चैनल यादव ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज गोलघर जा रहा हूं। अभी फ़िलहाल मैं गांधी मैदान आ चुका हूं और ये रहा गांधी मैदान। अब हम लोग इधर ऑटो रिक्शा लेंगे और चलेंगे गोलघर। चलिए वहां पर चलकर दिखाते हैं गोलघर। हम और हमारे मित्र जा रहे हैं, मेरे साथ हैं। देखिए, अब हम लोग गोलघर में एंट्री ले चुके हैं और ये रहा आपका गोलघर। सामने गोलघर है, हम लोग अब उसके करीब जाएंगे। अब हम कैमरा पीछे करेंगे और आगे दिखाएंगे आपको क्या क्या है यहाँ पे। देखिए, हम लोग आ गए हैं गोलघर के काफ़ी करीब। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है इस गोल घर का निर्माण किसने करवाया था और किस उद्देश्य से करवाया था? तो चलिए अब हम बताते हैं। 1770 ईस्वी में भयंकर सुखाड़ पड़ने के वजह से एक करोड़ लोग लगभग भुखमरी के चपेट में आ गए। उस समय के ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग के दिमाग में ये आया कि जब भुखमरी में सब कोई मारा जा रहा है तो हमारा सैनिक भी मारा जाएगा, और उसी सैनिक के लिए यहाँ पे अनाज संग्रह करने के उद्देश्य से इसको बनाया था। और देख सकते हैं, अब हम लोग सीढ़ी के करीब आ गए हैं। ये देखिए, हम लोग बिल्कुल सीढ़ी के पास आ गए। यहाँ पर गेट बंद है, अभी इसको बंद कर दिया गया है, और खुला रहता तो इसमें 145 सीढ़ी है और इस 145 सीढ़ियों के मदद से इसके शिखर पर जा सकते थे, जहाँ से पटना का बहुत बड़ा हिस्सा देख सकते थे और गंगा का मनोरम दृश्य यहीं से झांक सकते थे। और इतने बड़े इस गोलघर का जो विशेषता है वो है, ये है कि इसमें एक भी पिलर नहीं है और इसके ऊपर में अनाज भरने के लिए ये छेद रखा गया था। और इसमें अनाज कितना रखा जा सकता है, ये प्रश्न भी हो रहा होगा आप लोगों के मन में। तो मैं बता दूं, इसमें 140,000 टन अनाज अट सकता है और इसकी दीवार की मोटाई नीचे जो इसकी दीवार की मोटाई है वो 3.5 फीट से भी ज़्यादा है। और ये है उसका द्वार जहाँ से अनाज को निकाला जा सकता था। यहाँ से अनाज निकाला जाता था और डाला तो ऊपर से जाता था, इसके शीर्ष से। वहाँ की छेद अभी बंद कर दी गई है ताकि इस पानी वानी के वजह से ये ख़राब ना हो जाए। और इधर पार्क है, इधर लोग बैठकर आनंद ले रहे हैं। हाँ, तो इस गोलघर की पूरी ऊंचाई जो है वो 29 मीटर की है, 29 मीटर ऊंची। तो ये हम लोग गोलघर से आगे बढ़ गए और अब हम ले चलते हैं आपको इधर पार्क की ओर। और इस पार्क के दूसरे हिस्से में अंदर की ओर वहाँ देख पा रहे होंगे बच्चे खेलते हुए, वहाँ पर चिल्ड्रन पार्क है। और विशेष कुछ खास तो नज़र नहीं आ रहा अभी। कहने को तो ये चिल्ड्रन पार्क है, लेकिन यहाँ बड़े लोग भी बच्चे बने हुए हैं और झूल रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं झूलेंगे। हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि इसके अलावा कुछ और यहाँ है नहीं।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप मैथ सीख नहीं सकते हैं बल्कि बेहतर से बेहतर सीख सकते हैं।